वेलकम स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बायो जूलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के सिक्स डे का। इसके अंतर्गत हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वह है पीसीज क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर एंड टाइप्स। सबसे पहले हम देखेंगे पीसीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मछलियाँ होती है, ये जबड़े युक्त कशेरुकी का प्रथम वर्ग है। इससे पहले हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा था, वह अग्नेता था यानी बिना जबड़े वाले। अब ये आता है ग्नेथोस्टोमेटा में पीसीज वर्ग, जबड़े वाले कशेरुकियों का प्रथम वर्ग है पीसीज, जबड़े युक्त कशेरुकी का प्रथम वर्ग। अब हम देखते हैं ये असमतापी होते हैं, अर्थात वातावरण के अनुसार अपना तापमान बदलते हैं, जो गिल द्वारा श्वसन करते हैं और पानी में रहते हैं। इनका शरीर धार आरेखित होता है, जिसमें बाह्य कंकाल चर्म सलकों का बना होता है। ये युग्मित और अयुग्मित फिन इनमें पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें अपन अंदर भी पढ़ेंगे। अभी वीसियों में मछलियों की लगभग 40,000 जातियाँ पाई जाती है। कितनी? 40,000, बहुत बड़ा वर्ग है। अब देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। पहला है ये जलीय होती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अब लेवल के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा कि ये अलवणीय या लवणीय जल में पाई जाती है। अलवणीय जल जो नदियों का झरनों का होता है, और लवणीय जल समुद्री जल कहलाता है। सेकंड है ये असमतापी प्राणी है, अर्थात इनके शरीर का तापमान वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे इनका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। थर्ड है इनका जो बाह्य कंकाल होता है 100 स्केलेटन, ये डर्मल स्केलीज के रूप में पाया जाता है, चर्म सलकों के रूप में। चर्म सल्क कई प्रकार के होते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, जैसे प्लेकोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल, टेनोइड स्केल, गेनोइड स्केल आदि। पट्टाप सल्क प्लेकोइड स्केल, चक्राप सल्क साइक्लोइड स्केल, कंकताप सल्क टेनोइड स्केल और गेनोइड स्केल सल्क। चौथा, इनमें जो उपांग पाए जाते हैं बहुत सिंपल सा है। पहला पॉइंट इनके रहने से संबंधित है, दूसरा इनके ताप से संबंधित है, तीसरा इनके बाह्य कंकाल से संबंधित है, चौथा पॉइंट इनके उपांगों से संबंधित है। अब उपांग यानी अपेंडेजेज किसके रूप में पाए जाते हैं? पंख या फिन के रूप में। उपांग होते हैं जो गति में सहायता करते हैं, इनकी गति में सहायता पंख करते हैं, फिन करते हैं। अब फिन युग्मित भी पाए जा सकते हैं, अयुग्मित भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। युग्मित फिंक अपन जानते हैं, जैसे अपने हमारे अंदर पेक्टोरल गर्डल पेल्विक गर्डल होती है, वैसे इनमें पेक्टोरल फिन पेल्विक फिन पाया जाता है। अंश फंक श्रोणी फंक ये क्या होता है? युग्मित जोड़े में। और अगर हम अयुग्मित फिन की बात करते हैं तो ये इसके दो जोड़े होते हैं, दो तरह के दो जोड़े होते हैं, जैसे डोर्सल फिन ऊपर का पृष्ठ पंख, गुद पंख यानी एनल फिन जो नीचे की साइड पे होता है अदर में पीछे की तरफ, तथा एक पुच्छ फिन होता है जो टोटली पूंछ के ऊपर होता है, इसको कोडल फिन कहा जाता है। पंख चर्म पंख अरों द्वारा अवलंबित होते हैं। इनके ये फिन होते हैं वह किसके द्वारा अवलंबित रहते हैं? फिन रेज के द्वारा। इनके अंदर फिन रेज होती है, मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये गमन के लिए सहायक होते हैं। पांचवा पॉइंट है इनके नेजल चैम्बर से संबंधित। तो इनके जो नासा छिद्र होते हैं वह युग्मित होते हैं, और ये पुपुस मीन के अतिरिक्त ग्रसनी में नहीं खुलते, केवल पुपुस मीन है उसके अंदर ये ग्रसनी में खुलते हैं, बाकी अन्य मछलियों में ये ग्रसनी में नहीं खुलते।
नेक्स्ट है अंत कंकाल। मछलियों का एंडोस्केलेटन उपास्थि या अस्थि का बना हो सकता है, जिसका हम आगे अध्ययन कर देंगे करेंगे। कपाल मस्तिष्क को पूरी तरह से ढके रहता है, इनका जो कपाल होता है वो ब्रेन को पूरी तरह ढके रहता है। पृष्ठरज्जु कशेरुक में बदल जाता है। इनकी जो पेशियाँ होती है वो मायोटोम नामक खंडों में व्यवस्थित होती है। पेशी का छोटा भाग मायोटोम कहलाता है। हम मायोटोम मिलके पेशी बनाते हैं। ये खंड पृष्ठ तथा अदर भाग में अलग अलग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना पाचन से संबंधित, तो इनका पाचक क्षेत्र वह सुविकसित वेल डेवलप्ड होता है। आमाशय स्पष्ट होता है, अग्नाशय पाया जाता है। श्वसन के लिए हम देखते हैं सामान्यतः इनमें श्वसन गिल क्लोम के द्वारा पाया जाता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। गिल होते हैं वह 4 से 7 जोड़ी गिल पाए जाते हैं। कितने? 4 से 7 जोड़ी गिल। ये नग्न या ढके हुए हो सकते हैं। ढके हुए होते हैं तो इनके ऊपर ओपरकुलम पाया जाता है। ओपरकुलम एक को एक तरह से ढक्कन कह सकते हैं अपन, ठीक है। कुछ मछलियों में सहायक श्वसन अंग भी पाए जाते हैं। दशा परिसंचरण तंत्र से संबंधित पॉइंट है, तो इनके हृदय में एक अलिंद व एक नीले पाया जाता है। मछलियों के पिसीज वर्ग में मछलियाँ होती हैं उनमें 2 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद व एक नीले। इनका हृदय होता है वह ब्रेंकियल हार्ट होता है, क्लोम हृदय होता है। डिफ्नोई में अलिंद लगभग 2 भागों में बटा हुआ बढ़ जाता है। मछलियों में सिरा कोटर तथा वृक्क एवं एकृत निवाई का तंत्र उपस्थित होता है। सिरा कोटर तथा वृक्क एवं एकृत निवाई का तंत्र पाया जाता है। इनमें जो वृक्क होते हैं वह वृक्क मीजोनेप्रोस प्रकार के होते हैं, जबकि हमने पढ़ा था पेट्रोमाइजोन में कौन से थे, साइक्लोस्टोमेटा में प्रोनेप्रोस। इनमें मूत्राशय नहीं होता क्योंकि आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट पानी में छोड़ दिया जाता है। इनके में शरीर में लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, पार्श्व रेखा तंत्र। केवल अंतःकर्ण ही पाया जाता है, बाह्य कर्ण की आवश्यकता नहीं होती। कर्णपटल टिम्पेनिक कैविटी व ईयर ओसिल्स एब्सेंट होते हैं, कर्णखात एब्सेंट होती है। इनमें जो कपाल तंत्रिकाएं क्रैनियल नर्व होती है ये 10 जोड़ी होती है। अब इनके प्रजनन तंत्र पे आते हैं, तो इनमें लिंग पृथक होते हैं, अर्थात मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। जननांग युग्मित होते हैं, जोड़े में जननांग पाए जाते हैं। जनन नलिकाएँ अवस्कर में या अलग से खुलती है, जनन नलिकाएँ होती है वह अवस्कर में खुलती है या अलग से खुलती है। निषेचन बाह्य भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। मादाएं होती है वह ओविपेरस अंड प्रजक यानी अंडे देने वाली, या अंड जरायुज ओवा विविपेरस होती है। अंडे बड़े होते हैं जिनमें यौग की मात्रा अधिक पाई जाती है। इनमें परिवर्तन परोक्ष होता है बिना कायांतरण के, अर्थात लार्वा अवस्थाएं नहीं पाई जाती है। इस प्रकार हमने इसके बहुत सारे कैरेक्टर पढ़े, है ना, 18 कैरेक्टर पढ़े, तो हमें अधिकतम याद रह ही जाते हैं। विभिन्न लेखकों ने पिसीज को अलग अलग ढंग से वर्गीकृत किया, जैसे मूलर, एगेसिस, रेगान, जॉर्डन, गुडरिच, बर्ग, रोमर आदि। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वह क्लासिफिकेशन लगभग सभी से मिलता जुलता पढ़ेंगे। एसवेल, स्टोरर व यूसिंगर, लेगलर तथा यंग का क्लासिफिकेशन हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इन ने पिसीज को कितने वर्गों में डिवाइडेड किया? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। ये तीनों वर्ग हम निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, ताकि अध्ययन करते टाइम पे हमें थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। इसके जो 3 वर्ग है, पिसीज को महावर्ग कहा जाता है, सुपर क्लास। इसके 3 वर्ग है,
तो पहला है प्लेको डरमाई, इससे संबंधित पिसेज मछलियाँ थी वह विलुप्त हो चुकी है और विलुप्त का अध्ययन हम कम ही करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब इसको जहाँ से विलुप्त है वहाँ से आगे कोर्सेज में होता भी नहीं, सिलेबस में भी नहीं होता है। नेक्स्ट है वर्ग कोंड्रिखतिज और वर्ग ओष्ठिखतिज। कोंड्रिखतिज में दो उपवर्ग है, लेस्मोब्रेंकाई एंड ओलोसिपेलाई, जबकि ओष्ठिखतिज में तीन सब क्लासेज है, एखेंथोडाई, सार्कोप्टेरिजियाई, एक्टिनोटेरिजियाई। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कोंड्रिखतिज की, तो कोंड्रिखतिज के तीन जो दो वर्ग हैं वह इलेस्मोब्रेंकाई और होलोसिपेलाई। इलेस्मोब्रेंकाई इसका वर्ग है, उसमें छह गण हैं, क्लेडोसिलेचाई जो विलुप्त हो चुकी, प्लूरोखेंथोडाई जो विलुप्त हो चुकी, क्लेमाइडोसिलेचिपोर्मिस इसका उदाहरण क्लेमाइडोसिलेकस, हेक्जाकिफोर्मिस जिसका उदाहरण हेक्जाकंस, स्क्वेलिफोर्मिस जिसके अंतर्गत स्कोलियोडॉन जाएगी ना स्टिगोस्टोमा आएगी, रोजिफोर्मिस इसके अंतर्गत राइनोबेस, ट्राइगन, राजा, प्रिस्टिस, टोरपीडो जैसी मछलियां आएगी। एक उपवर्ग है होलोसिपेलाई, उसमें एक ही गण है काइमिरिफोर्मिस जिसका उदाहरण काइमिरा है। इस प्रकार आउटलाइन में हम कोंड्रिखतिज को अध्ययन कर चुके हैं। ओष्ठिखतिज को मैं आपको नेक्स्ट डे अध्ययन कराऊंगा। आशा करता हूं कि आप सभी इसको रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।